हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे प्लेयरों की जो मिडिल ऑर्डर इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं वापसी, आप कह सकते हैं अपना नाम तय। तो पांच प्लेयरों का नाम जो है काफ़ी सोच समझ के हमने लिया है, जिसमें विराट कोहली का नाम भी आता है। वैसे आज से अगर 4 महीना पहले हम ये बात कहते तो शायद आप कहते कि ये पांच नाम तो नहीं लेते, क्योंकि चार होता है क्योंकि विराट कोहली एक फिक्स प्लेयर है। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली का फॉर्म चल रहा है, आप विराट कोहली को भी आप ले लो अपनी टीम में कि पांच प्लेयरों में लिस्ट में, क्योंकि और शायद उनको ड्रॉप भी कर दिया जा सकता है जिस हिसाब से उनका फॉर्म है। आपको पाँच प्लेयर का नाम जो बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है दोस्तों दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा तो वैसे तो सीन में नहीं थे, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन और जिस तरीके से उन्होंने अपना डेब्यू किया आयरलैंड के साथ और जिस तरीके से इंग्लैंड में उन्होंने खेला T20 में, तो काफ़ी अच्छा उनका फॉर्म है और वो जिस तरीके से खेल रहे फील्डलेस क्रिकेट, वो नंबर वन प्लेयर बनते हैं। दूसरा प्लेयर है दोस्तों यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और एक T20 में अपना नाम तो बिल्कुल जमा चुके हैं और उनका फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ODI क्रिकेट में उतना अच्छा ना रहते हुए शायद उनको थोड़ी बहुत कंसिडरेसी ना मिले। वहीं तीसरा नाम है वो दोस्तों है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा फॉर्म था, पिछले कुछ सालों में एक फिक्स प्लेयर बन चुके थे, लेकिन रिसेंटली उनका फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से शायद उनको कंसिडर सिलेक्टर्स ना करे। वहीं चौथा नाम अगर दोस्तों हम लेते हैं तो वो है यहाँ पे एक बहुत ही खास प्लेयर, वो है ऋषभ पंत का। बिल्कुल दोस्तों ऋषभ पंत का भी फॉर्म T20 क्रिकेट में अच्छा नहीं रहा, कभी मिडिल ऑर्डर में तो कभी यहाँ पे दिखते हैं ओपन करते हुए। अब उनका पोजीशन कहाँ होगा ये देखने लायक होगा। और सबसे आखिरी नाम वो है संजू सैमसन का। संजू सैमसन जो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी विस्फोटक प्लेयर है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। अब क्या उनको मौका मिले और क्या उनको वो किस पारी से अपने आप को इम्प्रेस और सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करे, वो देखने लायक होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।